तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने चैनल पे जिसका नाम है टेक सोर्स एंड लेट्स हैकिंग द प्रोग्रामिंग। एक्चुअली हमारे दो चैनल चल रहे हैं यूट्यूब पे, जिन पर दोनों पर ही आपको इथिकल हैकिंग की वीडियोस दी जा रही है। तो आज हमारा जो इथिकल हैकिंग का हमारा कोर्स जो दोनों चैनलों पर चल रहा है, आप एक बार हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा अपने दूसरे चैनल का, उस पर जाके उसकी और वीडियोज़ भी देख सकते हो। तो हम बात करते हैं जो कि हमारा कोर्स चल रहा था इथिकल हैकिंग का फ्री में, तो ये उसका थर्ड लेक्चर है। तो थर्ड लेक्चर में आपको क्या क्या बताया जाएगा और क्या क्या सिखाया जाएगा। एक्चुअली जो हमारे सेकंड पहले दो लेक्चर आ चुके हैं, दो लेक्चर में उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा और आई बटन पर भी ऊपर दूंगा, ताकि आप प्रीवियस लेक्चर भी एक बार देख सको। और अपनी इथिकल हैकिंग अगर कोई सीखना चाहता है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जल्द से जल्द जो भी नोटिफिकेशन होती है हमारी वीडियो पब्लिश की वो आपको मिल सके, ताकि आप डे टू डे अपडेट रहें कि आपका अभी कौन सा लेक्चर चल रहा है और कौन सा कोर्स चल रहा है। हमारे चैनल पर दो कोर्सेज चल रहे हैं, जो कि एक सी का है और एक इथिकल हैकिंग का। तो ये थर्ड लेक्चर है इथिकल हैकिंग का। इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, अपनी काली को इंस्टॉल किया था अपनी वर्चुअल मशीन में, और अब उस काली को इंस्टॉल करने के बाद हम बात करेंगे जो कि सिंपल कमांड्स होती हैं लिनक्स की। लिनक्स की सिंपल कमांड्स हम अगर यूज़ करते हैं अपने डेली यूज़ के काम में, तो अगर हम उनको यूज़ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा जो शॉर्टकट होता है और जो हमारी काम करने की स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आज हम कुछ उन्हीं शॉर्टकट्स की बात करेंगे जिन्होंने अपनी काली इंस्टॉल कर ली थी, और इंस्टॉल करने के बाद जब वो उसमें काम करते हैं उसमें नॉलेज नहीं होती, तो नॉलेज देने के लिए और उन जो शॉर्टकट्स होते हैं उनको मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप उनको कैसे यूज़ करोगे और कौन सी चीज़ और कौन सी कमांड्स किस लिए यूज़ होती हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं और इथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और मेरे सेकेंड चैनल पर भी एक बार विजिट करिए और उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सेम यही कोर्स वहाँ पर भी चल रहा है। और उसके अलावा वहाँ पर आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिल जाएंगी जो कि काली से रिलेटेड है। अगर आप काली यूज़ करते हैं तो उससे रिलेटेड वहाँ पे वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो चैनल पर एक बार विजिट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम वीडियो को लेके चलते हैं कि हम कौन कौन से कमांड्स यूज करेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हमने वीडियो में बताया था कि आज हम लिनक्स यूज करेंगे, कुछ बेसिक कमांड थे तो हम वो यूज करेंगे। तो आओ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने सबसे पहले लिनक्स के अंदर चले जाते हैं। लिनक्स के अंदर जाने के बाद जैसे कि मैंने मेन्यू ओपन किया हुआ था, तो मेन्यू ओपन करने के बाद जो कि इस लिनक्स के जितने भी टूल थे वो मेरे को शो हो रहे थे कि इसमें कौन कौन से टूल इस टाइम है अवेलेबल, जो इसमें पहले से इनबिल्ड और जो मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं। तो हम बात करते हैं टर्मिनल की। टर्मिनल पे हमें कौन कौन सी कमांड्स यूज़ करनी है एंड कौन कौन सी बेसिक कमांड हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो हम अब आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद हम अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं सिंपल, जो कि हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल जो शो हो रहा है, या तो हम इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारा ये ओपन हो गया, ठीक है। और सेकेंड जो हमारा होता है उसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं, उसको अगर आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करोगे एंड उसके बाद यहाँ पर लिखा रहा है ओपन इन टर्मिनल, तो जैसे हम इसको टर्मिनल में ओपन करेंगे, टर्मिनल में ओपन करने के बाद जो हमारे बिगनर्स होते हैं वो लिनक्स तो इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि बट उनको ये नहीं पता था कि वो लिनक्स इंस्टॉल करके उसमें सबसे पहले क्या करें, क्योंकि ज़्यादातर इंस्टॉल में सब कुछ काम जो इथिकल हैकर्स करते हैं उनको टर्मिनल पर ही होता है। टर्मिनल चलाने के लिए हमें कमांड्स याद होनी चाहिए कि कौन सी कमांड्स कैसे यूज़ करनी है। तो इस लेक्चर में वही आपको बताया जाएगा। जो आज की हमारी सबसे पहली कमांड है वो है PWD। तो PWD का हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखें PWD तो PWD का हम यूज़ क्यों करते हैं, यह हमें सिस्टम की डायरेक्टरीज बताएगा कि हम कहाँ पे हैं इस टाइम उसकी। तो हम जैसे PWD को लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो हमें बता रहा है कि हम रूट फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप है, तो हम उसके अंदर इस टाइम हमने टर्मिनल ओपन कर रखा है। उसके बाद हमारी जो होती है ls कमांड होती है, ls कमांड का हम यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पे ls टाइप करेंगे, और ls टाइप करने के बाद अगर हम एंटर करेंगे तो जो भी डेस्कटॉप पे हमारा पड़ा होगा, डायरेक्टरी पड़ी होंगी या फिर कुछ भी हमारी जैसे anki.txt फाइल है वो होगी, तो वो हमें टर्मिनल पे ईजिली यहाँ पे शो हो जाएगी, ताकि हम उसको आसानी से एक्सेस कर पाएँ एंड उसके ऊपर जो भी हमें ऑपरेशन वगैरह करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो जो लिनक्स का सबसे मेन फोल्डर होता है वो होता है रूट। रूट इसका बेस पाथ होता है, और सेकंड इसके बाद अगर
हमें ls दो तरीके की होती है। ls एक सिंपल होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे ls कमांड डाली तो हमें शो हो रहा था कि अंकी और अंकी डॉट txt के नाम से दो फाइल थी। तो अगर हम यहाँ पे एक दूसरी कमांड लगाएं ls से ls हाइफन a, तो अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो हमें ये बताएगा कि यहाँ पे जो भी हमारी हिडन फाइल्स हैं उसको हमें एक्सेस आसानी से करा देगा। जैसे कि हम देख सकते हैं जो हमारे पहले दो फाइल शो हो रही थी अब चार फाइल शो हो रही हैं डॉट डॉट के नाम से। तो ये हिडन फाइल्स थी, अगर आप इस कमांड का यूज़ करोगे तो आप हिडन फाइलों को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो आती है वो आती है कमांड cd। तो cd कमांड का हम यूज़ क्यों करते हैं, एक्चुअली cd को बोलते हैं हम चेंज डायरेक्टरी। अगर हमें डायरेक्टरीज चेंज करनी है तो हम cd का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने जो कि हम अभी डेस्कटॉप पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा है, डेस्कटॉप के अंदर हमारी अंकी नाम का एक फोल्डर है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। और अगर हमें इसको एक्सेस करना है कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपल cd कमांड लगा के अंकी लिख देंगे। आप इसमें जो इसकी स्पेलिंग्स होती हैं उसको थोड़ा ध्यान रखिए कि वो बड़ी छोटी हैं, तो उसको सेम टू सेम वैसे लिखे, अदरवाइज वो डायरेक्टरी फाउंड नहीं होगी। जैसे हम इसको यहाँ पे एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो डेस्कटॉप के बाद अंकी लिखा आ गया। अगर हम यहाँ पे ls कमांड का यूज़ करेंगे तो जो इस फोल्डर के अंदर होगा वो इस कमांड से हमें शो हो जाएगा। जैसे कि हम एंटर करेंगे तो ये अभी फोल्डर है खाली, तो हमें ये मतलब नॉर्मली एम्प्टी शो कर रहा है। अगर हमें इसके अंदर कोई फाइल बनानी है या कुछ बनानी है टर्मिनल की हेल्प से, तो हम उस कमांड तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं touch। टच के बाद अगर हमें जो भी यहाँ पे बनाना है, जैसे कि हमने अपने चैनल के नाम से बनाना है टेक सोर्स के नाम से हमें बनाना है। उसके बाद हम टेक सोर्स हमने लिख दिया, और उसके बाद अगर हमें ये बनानी है टेक्स्ट फाइल तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे डॉट, तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे डॉट txt। तो हम जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो जाएगी इस फोल्डर के अंदर। अगर हम दोबारा इसको ls लगा के देखते हैं कि इस फोल्डर में क्या है, तो अब हमें इसके अंदर techsource.txt की फाइल दिखेगी जो कि हमने कमांड पोर्ट्रेट की मदद से बनाई। अगर हम इस फोल्डर को ओपन करें तो इस फोल्डर के हमें सेम वही जो हमने फाइल क्रिएट की है empty, तो हमें वही देखेगी। इस कमांड का यूज़ हम करते हैं empty फाइल बनाने के लिए। अगर हम इसको ओपन करें तो ये एम्प्टी फाइल है, बट ये हमने कमांड पोर्ट्रेट की मदद से बनाई है। जैसे कि आप देख सकते हो ये बिल्कुल एम्प्टी फाइल है, ये हमने कमांड पोर्ट्रेट की हेल्प से बनाई है। तो उसके बाद जो दूसरी कमांड आती है, जैसे हमें इसी फाइल के अंदर कुछ डायरेक्टरी बनानी है, तो उस कमांड के लिए हम यूज़ करेंगे mkdir, मतलब मेक डायरेक्टरी। अगर हमें मेक डायरेक्टरी बनानी है तो हम इसके अंदर बनाएंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर सिर्फ हमारी एक फाइल थी जो कि techsource.txt के नाम से थी। तो हम इसके अंदर ही हमने एक फाइल बनानी है, तो हम वो कमांड पोर्ट्रेट से कैसे बनाएंगे। जैसे हमने mkdir लिखा तो इसका मतलब है मेक डायरेक्टरी, तो वो भी हम techsource के नाम से बनाते हैं tech। अगर हम इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एक डायरेक्टरी बन चुकी है। अगर हम इसको ls लगा के चेक करें तो हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि इसके अंदर जो हमारा है, अगर हम इसको ओपन करते हैं फाइल को, तो अब हमें शो होगा कि इसके अंदर जो पहले एक फाइल थी अब दो फाइल्स हो रही हैं जो कि techsource.txt के नाम से और एक techsource के नाम से हमारा फोल्डर बन चुका है। तो अब उसके बाद बात आती है हमारी अगली कमांड की। तो ये सब बेसिक्स कमांड हैं, ये सब आपको आने चाहिए, और चैनल पर ये थर्ड लेक्चर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जब फोर्थ लेक्चर हो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ सके। तो हमारी आगे होएगी दूसरी कमांड है, जैसे कि हमें कुछ लोकेट करना है अपने, जैसे हम लिनक्स यूज़ कर ले, लिनक्स में हमारे कुछ फाइल्स होती हैं जो हमें एक्चुअली नहीं पता होता कि हमारे लिनक्स में वो एग्जिस्ट कहाँ करती है। तो उसके लिए एक सिंपल कमांड होती है लोकेट आई, और उस जो हमें फ़ाइल एक्सेस करनी है उसका हम नाम देते हैं। जैसे कि हमारी फ़ाइल है अंकी डॉट txt, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंकी डॉट txt। तो उसको हम एंटर करेंगे तो ये हमें बता देगा कि वो फ़ाइल कहाँ पे है। तो उसके बाद जो मेन आती है वो होती है sudo।
तो सूडो कमांड जो होती है वो हमारी स्पेशल होती है जो सुपर यूज़र यूज़ करते हैं, मतलब जब भी हम कोई पैकेज वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो हम सूडो कमांड से लगा के उनको इंस्टॉल करते हैं, विदाउट सूडो कमांड के वो इंस्टॉल नहीं होते। तो अगर हम इसको यहाँ पे लगाएं सूडो को, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन शो हो जाएंगे कि सूडो को हमें कैसे यूज़ करना है, हाइफन एच के साथ, हाइफन के साथ, इसके साथ हमारे क्या क्या जुड़े हैं, ये सब हमारी इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी। उसके बाद अगर हम सिंपल SU का यूज़ करें, तो SU का यूज़ करने के बाद तो SU से हम अपनी जो है सुपर यूज़र कि उसमें रूट डायरेक्टरी में चले जाएंगे। जैसे कि हमने पहले ही हम सुपर यूज़र रूट डायरेक्टरी यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमें लिखा रहा है रूट एट द रेट काली, तो हम पहले से ही रूट डायरेक्टरी में हैं। सूडो जैसे हम कुछ हमें पैकेज वगैरह इंस्टॉल करने पड़ते हैं अपने लिनक्स में, तो हम सूडो गेट APT, जैसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सूडो APT गेट तो जैसे कि हमने यहाँ पे कमांड यूज़ की थी अपनी sudo apt get install, तो हमारी ये जो इंस्टॉलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद अगर हम दूसरी कमांड यूज़ करें sudo get update, तो जो हमारा सिस्टम है वो हमारा सारा अपडेट हो जाएगा। एंड उसके बाद अगर हम यूज़ करें sudo get upgrade, तो हमारा सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा। तो नॉर्मल्स कमांड आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आता है Ctrl+C, तो जैसे हम यहाँ पे Ctrl+C प्रेस करेंगे तो हमारा जो ऑपरेशन चल रहा था वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। अगर वो फिर भी स्टॉप ना हो तो आप Ctrl+Z का यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो हमारी कमांड आती है वो आती है sudo halt, अगर हम ये कमांड यूज़ करते हैं तो हमारा सिस्टम हो जाएगा शट डाउन। अगर हम ये कमांड यूज़ करेंगे तो हमारा सिस्टम हो जाएगा शट डाउन। और उसके बाद अगर हम दूसरी कमांड जो हमारी है वो है sudo reboot, अगर हम ये यूज़ करेंगे तो हमारा सिस्टम है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारी एक कमांड जो कि पेंडिंग रह गई थी cd, अगर जैसे हमें इस डायरेक्टरी में जो कि हम डेस्कटॉप की डायरेक्टरी के अंदर अगर हमें बैक जाना हो, मान लो कि हमारी कोई फाइल पड़ी है डेस्कटॉप पे, और हम डेस्कटॉप पे जो अंकी फोल्डर है उसके अंदर है, अब हम जाना है डेस्कटॉप पे, तो हम कैसे जाएंगे डेस्कटॉप पे? जाने के लिए सिंपल कमांड होती है cd space --, इसको क्लिक करेंगे तो हम प्रीवियस डायरेक्टरी में जा पाएंगे। अब प्रीवियस डायरेक्टरी में हम डेस्कटॉप पे आ गए, तो डेस्कटॉप पे हम देख सकते हैं कि हम उस फोल्डर से बाहर आ चुके हैं। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था जो कि हमारी बेसिक्स कमांड थी लिनक्स की, और सेकंड पार्ट आपको दे दिया जाएगा। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड चैनल पर बने रहें। और चैनल पर अगर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे एथिकल हैकिंग की वीडियोस जल्द से जल्द मिलती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।